हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेरा बॉक्स ऐप को यूज़ कैसे करें। उसमें 1 TB का स्टोरेज फ्री स्पेस होता है, मतलब कुछ भी अपलोड कर सकते हो। उसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। वीडियो भी पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को लें सब्सक्राइब, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ कैसी ऐप होती है। तो ऐसे प्ले स्टोर पर मैं अभी जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना टेरा बॉक्स। तो देखिए, मैं ऐसे लिखना है आपको, ये ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये टेरा बॉक्स, आपको ये लिख के सर्च कर देना है। वही देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है 1024 GB। आपको मतलब इंटरफेस उसका फोटो भी लगा रखा है, लोगो भी लगा रखा है अपना। तो ये वाली है टेरा बॉक्स, तो आपको इसको ओपन कर लेना है, मतलब आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने डाउनलोड कर रखी है इसलिए मेरे को ओपन कर दे रहा है। उसमें अकाउंट बनाने में कुछ भी नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट आपको मतलब आपकी ईमेल आईडी है ना, जैसे आपको गूगल ड्राइव लॉगिन होता है ऐसे ही आपको लॉगिन हो जाएगा। तो ये साइन इन कर दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है गूगल से। देखिए जैसे मेरी ईमेल आईडी आ चुकी है, मैं अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक कर देता हूँ। और इसमें भाई यहाँ पे से आई क्लिक क्लिक कर दें, ये आपका अलार्म आएगा, मतलब आपकी जो फाइल में नहीं रहेगी अलार्म आएगा। तो इसमें यहाँ पे सब कुछ बताएगा आपको कैसे क्या है। ये देखिए यहाँ पे बताएगा आपका जितनी स्टार्ट, तो ये देखिए अभी ऑफर चल रहा है। तो ऐसे देख सकते हैं, मैंने अभी 1 GB का स्पेस मैंने यूज़ कर रखा है, तो मैं सामने दिखा रहा है आपके। देखिए 1 GB का स्पेस मैंने यूज़ कर रखा है, और मेरा अभी यूज़ करने के लिए अभी 1124 GB अभी स्पेस है जी। देखिए तो वही आपको डाउनलोड करोगे तो आपको सिर्फ 100 GB मिलेगा, या 90 या 100 GB के समथिंग मिलता है। उसके बाद आपको वही अपग्रेड करना पड़ता है ये 1 TB के लिए। 1 TB का अपग्रेड करने के लिए कैसे क्या करना है आपको, तो आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है, थोड़ा सा वेट भाई ये। तो ये यहाँ पे आना आपको नीचे, भाई थोड़े से भाई इसमें कुछ ऐड आते हैं, क्योंकि भाई आपको ये तो पता है कि आपको आज की दुनिया में कोई आपका एक पैसे का भी चीज़ आपको फ्री में नहीं देता। तो इसमें थोड़ी बहुत ऐड आते हैं, तो उसको ऐड को आपको मतलब ऐड को तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आने के जहाँ लिखा हुआ जरा 1024 GB, आपको इस पर क्लिक कर देना है। 10 GB आपका पुराना होता है, उसमें 1000 GB ये मिलता है, और ये परमानेंट है। ये नहीं कि आपका जैसे 1 साल या 2 साल के लिए हट जाएगा, एक ये परमानेंट रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको शेयर कर लेनी है ये अपने फ्रेंड को। किसी को शेयर करने के बाद वो जैसे ज्वाइन करेगा, जैसे मतलब अपना सब कुछ ईमेल आईडी लॉगिन कर लेगा उसमें, जैसे ही आपको यहाँ पर मैसेज आएगा, और आपको यहाँ से अपग्रेड कर लेनी है 1 TB के लिए। तो ऐसे आपको अपग्रेड हो जाएगी, ऐसे आपको 1 TB हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से शेयर की थी, शेयर करने के लिए यहाँ पे कोने में आ रहा है ये, वहाँ से कर लेना है। और आपको जैसे फ़ोटो वगैरह अपलोड कैसे करनी है, वो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेना है यहाँ पे। तो इसे देखिए ये वाला, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर ऑटो बैकअप पे आपको क्लिक कर लेना है, ऑटोमेटिक बैकअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो का तो बैकअप हमेशा चालू रख लेना है, वो आपके आप जैसे किसी वाईफाई से कनेक्ट करोगे सो ही आपका हो जाएगा, जब वाईफाई आप अपने इंटरनेट से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने वीडियो का कभी चालू नहीं करना है, क्योंकि वही अगर आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सअप से भी वीडियो आती है वो ऑटोमेटिक कर लेगा। आपको वीडियो कोई चाहिए तो आप मतलब सेलेक्ट करके तब कर लेना है आपको इसमें बैकअप के लिए। वैसे तो बहुत जी वो है मतलब स्पेस पर, वो आपके इंटरनेट पर डिपेंड रहेगा। जैसे अगर आप अपलोड करोगे या ऑटोमेटिक अपलोड चालू रखोगे, तो आपका मोबाइल का इंटरनेट है वो आपके मतलब ख़त्म हो जाएगा एक तरह से ये ले लेगा। तो फोटो में तो कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें ही आती जाता है वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत लंबी होती है। तो ये जैसे देखिए ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको देखिए फाइल मैनेजर देखना चाहें, आपको पूरा फाइल मैनेजर भी आएगा यहाँ से अगर फाइल मैनेजर की कोई सी भी चीज़ यहाँ से अपलोड करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। और आपका फाइल मैनेजर यहाँ लॉकर है, इसमें आप लॉक करके रख सकते हैं कोई फ़ोटो या सेव कोई सी वीडियो वगैरह यहाँ सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इमेज दिखा देगा, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो दिखा देगा। और यहाँ पे अगर कोई फाइल आपको शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए यदि यहाँ से ऐसे आपकी शेयर हो जाएगी ये उसके लिए। और भाई और कुछ नहीं, और भाई इसमें बहुत से ऑफर चलते रहते हैं, अगर आपको कुछ भी देखना चाहें देख सकते हैं। और आइए मैंने जो बेस्ट ऑफर थे वो आपको बता दिए। यहाँ क्या देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके स्टोरेज कौन सी परमानेंट है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये इसमें क्या 10 GB ये परमानेंट है, ये पहले शुरू में मिलता है, और ये 90 GB मिलता है, ये 100 GB ऐसे करके मिलता है। तो 90 ये 100 GB होता है ये 1 साल के लिए होता है। ये 1024 GB मिलता है, मतलब 14 GB ये आपका मिलता है, ये परमानेंट। ये दो मिलती हैं ऐसे करके, 24 GB मिलता है आपको, 1024 GB ऐसे आपको परमानेंट रहता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल को लें सब्सक्राइब, और आपको और कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं वीडियो, बाय बाय।